इसी तरह से आप एक ही वेब पेज के अंदर अलग अलग स्टाइल में लिखना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल, इटैलिक, ओब्लिक, तो इसके लिए भी सिंपल सा प्रोग्राम है। ये फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, इटैलिक, ओब्लिक, इसी तरह से हमने आपको अंडरलाइन भी बताया था पहले, और वो भी करना है तो आप वो भी सेम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम के अंदर किस तरह से हम नॉर्मल, इटैलिक और ओब्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आएंगे।